Hey guys and welcome back to my vlog. Today I am starting the vlog early. It is exact 10 and I have taken bath and washed my hair. मेरे बाल बहुत ग्रीसी हो गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गए थे, तो मैंने अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं करूँगी इसे ब्लो ड्राई. ब्लो ड्राई कर लेने से मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू ब्लो ड्राई माई हेयर एंड आई विल डू माई मेकअप विथ यू ऑल गाइज, चैटिंग विथ यू. सो लेट्स फर्स्ट डू माई मेकअप एंड देन आई विल ब्लो ड्राई माई हेयर. Everyone, I think now know what products I use on daily basis. It is always I have multiple of foundations that I use on daily basis. The first one is Miss Claire. The second one is Garnier. Third one is Maybelline. And this is also of Maybelline. Today I am using this one. Today there is a very sad news, guys. My mother-in-law is going back. वो गांव जा रही है वापस से एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि वो गांव जा रही है वापस से, क्योंकि जितनी भी हेल्प उनसे मिलती थी या फिर जितना भी टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करती थी, मैं अकेले नहीं रहती थी और हम लोग बहुत टाइम एक साथ स्पेंड करते थे. वी यूज़ टू टॉक, वी यूज़ टू चैट, बट अब वो नहीं हो पाएगा बिकॉज she is going back today. papa ji, mummy ji aur bhaiya, everyone is going back today. so today is a very sad day for me that they all are going back, but kuch kiya nahi ja sakta because gaon mein if you know ropni ka season chalu ho gaya hai. और रोपनी में क्या होता है कि लेबर्स वगैरह का खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो जितने लेबर आप रखते हैं रोपनी के लिए उतने लोगों का खाना आपको बनाना पड़ता है. तो वो काम मम्मी करती हैं और मम्मी एक हेल्पर ले लेती हैं अपने साथ गांव से ही. तो रिलेशन में अगर कोई नोन में है तो एज अ हेल्पर वो ले लेती हैं उन्हें और वो खाना बनाती हैं उन लोगों के लिए. दो टाइम का खाना बनता है उनका, तो मम्मी का जाना बहुत ज़रूरी है वरना वो रुक जाती, वो नहीं जाती. कम से कम इस वीक तो नहीं जाती, पर मेरे ख्याल से इस मिड वीक से ही काम चालू होने वाला है रुकने का. सो दैट्स व्हाई शी हैज़ टू गो. कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उन्हें जाना ही पड़ेगा. बट शी विल कम सून, क्योंकि हमारे घर में जल्दी शादी का सीज़न आने वाला है. नवंबर लास्ट एंड दिसंबर स्टार्टिंग, दो शादियां पड़ रही हैं घर में. सो वेरी एक्साइटेड फॉर द शादी सीज़न ऑल्सो एंड इसीलिए उनको जाना पड़ रहा है रोपनी के वजह से. Feeling very low today, feeling very bad today. बेबो को भी मालूम नहीं है, पर वो जब जाने लगेंगी और अगर बेबो जागी रहती है तो वो बहुत रोएगी. आई नो, क्योंकि बेबो को भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, अपने दादू दादी के साथ. तो शी विल क्राई अलॉट आई नो, अगर वो जागी रहेगी तो उसको फुसलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट वॉट एवर, जो है वो है. जो चीज़ें सामने रहती हैं उससे आपको डील करना पड़ता है, तो मैं डील करूँगी
दिस इज टुडे सिनेरियो गाइस, कि अनफॉर्चुनेटली मम्मी जी जा रही हैं और आई कैन नॉट टोटली डाइजेस्ट दिस थिंग अभी तक कि वो जा रही हैं, क्योंकि मैं अकेले हो जाऊंगी, ओनली बेबो एंड मी, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस. Okay, my makeup is done, guys. This is my day-to-day makeup look, and it is complete. Now, ये silk and shine का serum मैं अपने बाल में लगा लूँगी थोड़ा सा, और फिर करूँगी अपने बालों को blow dry. ये serum लगा लेने से मेरे बाल rough नहीं होते हैं, अच्छे रहते हैं. Let's blow dry my hair. Just wanted to inform you that work is going in progress. Papa ji log ja chuke hain. Let me see this way. This is nice. Papa ji log ja chuke hain curtains ke rod lane ke liye. Curtains ke rod aa jayenge aur finally mere curtains achhe tarike se lag jayenge. Mummy ji ki preparation ho rahi hai gaon nikalne ke liye. खाना बन चुका है, पापा जी आएंगे, पापा मम्मी खाना खाएंगे और पापा मम्मी भैया फिर गांव निकल जाएंगे. सो वी विल बी अलोन. बैड न्यूज़, वी विल बी अलोन, बट करना पड़ता है, चीज़ों के लिए करना पड़ता है. सो इट्स ओके. कुछ दिन हक के लिए, कुछ दिन हम लोग को लगेगा, थोड़ा सा खलेगा, पर उसके बाद वी विल कम इन आवर यूजुअल डे टू डे लाइफ रूटीन. हस्बैंड को ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, नाश्ते के समय आना, बेबो के मील्स एंड एवरीथिंग, बेबो का टेक केयर करना, तो इट्स ओके, सब कुछ वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा. बट मैंने अपना बेड बना लिया है, मेरा रूम क्लीन हो गया है. वो वाला रूम अभी क्लीन नहीं हुआ है, उसे मैं क्लीन करूँगी. और किचन मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बैक साइड का जो डेस्क है जहाँ मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और अनटाइडी सा दिख रहा है और हो गया है गंदा. तो मैं उसे अच्छे से स्क्रब करूँगी और क्लीन करूँगी अपने पूरे काउंटर को आज, मम्मी पापा के जाने के बाद, बेबो के सोने के बाद. तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और किस तरीके से क्लीन करती हूँ अपने किचन सर्विस एरिया को. और अभी फ़िलहाल मम्मी जी रेडी हो रही हैं, मम्मी जी रेडी हो जाती हैं तो दिखाती हूँ आप लोगों को. लास्ट टाइम मिलवाती हूँ मम्मी जी से आप लोगों को, क्योंकि अब कब मिलना होगा मम्मी जी से ये मुझे खुद भी नहीं मालूम है. तो होपफुली जल्दी ही मिलना हो, ज़्यादा लेट में ना मिलना हो. सो दैट्स इट गाइस, और सब कुछ रेडी हो जाता है तो मिलवाती हूँ आप लोगों को. ओके गाइस, सो फाइनली मम्मी जी इज़ गोइंग, तो आप लोगों को मिलाती हूँ मम्मी जी से, चलिए. और इट विल बी अ फाइनल बाय टू हर, और होपफुली वो जल्दी आए. तो चलिए मिलाती हूँ आपको मम्मी जी से और एक फाइनल गुड बाय करते हैं उनको. और
मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे कहा है कि आप दशहरा पे आ जाइएगा, दिवाली हम लोग के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस पे, हस्बैंड के ऑफिस पे हम लोग पूजा वगैरह करवाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, स्टाफ्स को गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं, स्वीट्स देते हैं। सो मैंने उनसे कहा कि आप आइएगा और हम लोग के साथ ही दशहरा और दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा, गाँव पर मत कीजिएगा। तो होपफुली वो आएँ, मैं चाहती हूँ वो आएँ, तो देखते हैं कैसा जाता है, वो आ पाती हैं या नहीं, वो समय निकाल पाती हैं या नहीं आने के लिए। बट उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर पॉसिबली कोशिश करेंगी कि वो आएँ और हम लोग के साथ ही दिवाली मनाएं, बेबू के साथ ही दिवाली मनाएं। तो आइए फाइनली मम्मी जी से मिलवाती हूँ आपको और करते हैं उनको एक फाइनल गुड बाय। ओके गाइस, तो पापा जी जा रहे हैं नीचे अभी, तो पापा को एक फाइनल गुड बाय कहते हैं। आज सभी को ही चला जाएगा, भैया भी चले जाएंगे, पापा भी चले जाएंगे, तो पापा रेडी हो गए हैं, पापा को एक फाइनल गुड बाय, क्योंकि अब हम लोगों को काफ़ी समय लगेगा मिलने में एक दूसरे से। होपफुली ये लोग जल्दी वापस आएँ, बेबो भी उठेगी तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करेगी और मे भी वो रो भी सकती है कि उसके बड़े पापा, दादू और दादी चले गए हैं। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे मना लूँ किसी तरीके से भी। अभी मम्मी से आप लोगों को मिलवाती हूँ, मम्मी भी ड्रेस हो गई हैं, रेडी हो गई हैं, एंड रोने का समय आ गया है। मम्मी हमेशा मुझे रुला के जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो कभी भी जाएं, पर वो चली जाती हैं। सो इट्स बैड। ओके गाइस, ये रही मम्मी जी, मम्मी जी जा रही हैं। देखिए हम लोग कब मिलते हैं मम्मी जी से। होपफुली मैंने मम्मी को बोला है कि आप दशहरा और दिवाली हमारे साथ ही सेलिब्रेट कीजिएगा, तो मम्मी ने बोला है कि वो कोशिश करेंगी आने की। तो फाइनल गुड बाय था ये मम्मी जी को, और चलिए ऊपर से दिखाऊंगी आपको मम्मी लोग जाएंगी तो, और बेबो तो अभी सो रही है फिलहाल। तो फाइनली दे हैव गॉन और सब कुछ शांत शांत हो गया है, पूरा घर शांत हो गया है, बिकॉज सिर्फ मैं और बेबो रह गए हैं। हस्बैंड अभी एक घंटे में आएंगे लंच करने के लिए, वो ऑफिस मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे, उन्होंने लंच नहीं किया है, वो अभी आएंगे लंच करने के लिए। तो मैं जागी रहूँगी, मैं सोऊँगी नहीं अभी, बट आई विल टेक माई माइग्रेन मेडिसिन राइट नाउ एंड आई विल एडिट अ वीडियो। जब तक मेरे पास समय है मैं सो नहीं रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़े देर सोऊंगी हस्बैंड के जाने के बाद। एंड सबको बहुत खाली खाली लग रहा है मेरे पापा के जाने के बाद, बट सून हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इस सिचुएशन से, हस्बैंड मैं और बेबो ही रह जाएंगे और सून हैबिचुअल हो जाएंगे। सो आगे भी ब्लॉगिंग करती रहूँगी, आज का दिन दिखाती रहूँगी कि मम्मी पापा के जाने के बाद हम लोग का दिन कैसा गुजरता है, कैसा जाता है। आई विल शो यू। सो कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग पे, देखते रहिए जानने के लिए कि आगे हम लोग मम्मी पापा के बिना दिन में क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं।